यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि एक रेंज में हो गया है अब। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी करेक्शन बननी चाहिए जिससे कि निचले स्तरों पर खरीदारी निकले और 3300 के ऊपर के लेवल्स फिर से देखने को मिले, या फिर यहीं से बाइंग इनिशिएट हो जाएगी? देखिए नीचे में देखिए थोड़ी करेक्शन जरूर एक्सपेक्टेड भी थी। अखिलेश मैंने पहले भी बोला था कि 3400 तक ऊपर जाने के बाद एक हल्की करेक्शन आप देख सकते हैं, लेकिन 3400 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं आई मार्केट की और अगेन प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा भी दबाव नहीं है। हल्की फुल्की करेक्शन है, उसके बाद वापस से बाउंस बैक आएगा नीचे में 3280 या मैक्सिमम फरवरी में 3260 तक एक बार लग रहा है कि डाउन साइड आ गया, तो वहां से अगेन बाइंग इनिशिएट हो सकती है जो कि इसको फिर 3500 तक ले जा सकती है। आप देखिए कॉटन के अंदर आप देखिए जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वायदा के अंदर हम कॉटन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 33,000 के आसपास था, जब हमने बोला था कि 35,000 से 36,000 का स्तर देखने को मिल सकता है, आप देखिए आज 36,000 के ऊपर कॉटन निकल चुकी है वायदा के अंदर, और कॉटन के अंदर भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है और बिनौला खल में भी एक्सपेक्टेड है कि यहां से 3500 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से कॉटन में तेजी बनती नजर आ रही है उसका असर कहीं ना कहीं बिनौला खल की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। और दूसरा आपको बता दें कि इस बार दूध का उत्पादन भी कम भी देखने को मिला है, जिससे बिनौला खल की इंडस्ट्रियल डिमांड पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर से निकल के सामने आ सकती है। तो बिनौला खल में आगे इंडस्ट्रियल डिमांड उठती नजर आ सकती है, और इस बार बिनौला खल की जो कमी है वो भी महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से बिनौला खल में आगे तेजी का रुझान रह सकता है। रूपा जी ने हमेशा बिनौला खल में अभी तेजी का ही रुझान बताया, और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जाके बिनौला खल में 3500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।